हेलो। अरे बाप रे, हेलो। अरे हाँ बोलिए अरे सर 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 सर, राजीव तलवार सर बात कर रहे हैं। जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव सर, मेरा फोन उठाने के लिए। मुझे तो उम्मीद नहीं थी आप फोन उठाएंगे इतनी रात को, बट मतलब काफी बहुत धन्यवाद आपका सर। तो जी, तो राजीव जी, अभी सही समय है आपसे बात करने के लिए या फिर मतलब आप सोने वाले जा रहे थे? राजीव 2 मिनट बोलिए जो बोलना जल्दी। जी, सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आपका मतलब जैसे कि आपने वोट में खड़े हुए थे विधानसभा चुनाव में, तो जी आपने कड़ा प्रतिद्वंदी दिया था, मतलब कि आपसे कम भी लोगों को आए हुए हैं, जो कि काफी सत्ताधारी मतलब कि नेता लोग, मतलब कि जो लोग पार्टी का टिकट लेके आए हैं, आप इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे, आपसे कम लोग आए हैं। आपका मतलब प्रभुत्व पकड़ रहा है पूरे आजमगढ़ में, इसके लिए आपको काफी ज्यादा बधाई। और राजू जी, आपका कहीं आने का मकसद है बिहार बार में? आपसे कभी मन कर रहा है आने का? भैया हम तो हर तरफ आना चाहते हैं, मरना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, लेकिन इस देश के लोग गांडू मादरचोद हैं, इतने बड़े गांडू घोंसले वाले हैं कि अपने गांडू बेटे के लिए 1 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, और राजीव तलवार के लिए 100 रुपया खर्च करने में गांड फट रही है मादरचोदों की। तो भगत सिंह क्यों बनेंगे? हम चूतिया भगत सिंह बनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपका एकदम जायज मांग है, जायज मांग है। लोग ऐसा नहीं करता, नेता मंत्री के लिए तो लोग करोड़ों खर्च कर देता है एक 10 मिनट के भाषण के लिए। नहीं आप बताइए, एक अधिकारी, एक मंत्री, एक डीएम, एसपी, एक लेखपाल, टीचर के पीछे कितना पैसा खर्च होता है? सब साले गांडू मादरचोद हैं। और आप 10 रुपया राजीव तलवार को नहीं देंगे, भोसड़ी वाले, तो राजीव तलवार क्यों लड़ेगा? नहीं बिल्कुल राजीव तलवार जी, बिल्कुल आपने सही मांग रखा है। और इतना चिल्लाते, इतना एनर्जी जाता है, इतना सब कुछ वेस्ट होता है आपका। नहीं और वो बात नहीं है, मादरचोद फ्री में कोई क्यों जान ले? भगत सिंह क्यों बनेगा मादरचोद? क्यों बनेगा भोसड़ी वाला? आज तक 800 साल में इसीलिए तो भगत सिंह पैदा नहीं हुआ इस गंडू देश में। क्यों बनेगा भगत सिंह भाई? क्यों पैदा होगा भगत सिंह इस माधव जी, देश में? कोई पैदा क्यों होगा? क्यों राजीव तलवार बनेगा भाई? फिर से मतलब कि कहने का बात है कि कोई प्रोत्साहन मिलना चाहिए, तभी ना आदमी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं, करेगा। प्रोत्साहन नहीं भैया, 10 रुपया भी तनख्वाह नहीं मिलेगी, लंड कर प्रोत्साहन कोई क्या करेगा? भोसड़ी वाला हमारे अंदर खुद गांड में इतना दम है कि हम अकेले सब इतना कर लिए, अब भोसड़ी के 10 रुपया कोई नहीं देगा माधव चौधरी, तो हम गांड क्यों मराएंगे इस देश के लोगों के लिए? गुड नाइट, गुड नाइट रखिए। ये देश मादरचोद है, गांडू भोसड़ी वाले हैं, यही तो मैं सिद्ध करना चाहता था कि साले सब ना मर्द है, और मैंने सिद्ध कर दिया। मादरचोद आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि मेरा बाप गांडू था मादरचोद, जो राजीव तलवार को 10 रुपया नहीं दे पाएगा। नहीं दे पाएगा, कोई माने बोला चाहे आपने। ना माने मादरचोद, लेकिन सच तो यही कि भोसड़ी वाले गांडू है। इस देश का नमक हरामी, नमक खा के नमक हरामी इस देश का करते हैं मादरचोद। मोदी मुलायमती ने गांड मार लिया, सबने गांड मार लिया मादरचोद, अभी भी साले दांती आ रहे हैं भोसड़ी वाले। 135 करोड़ किसी लायक हो तो बता दीजिए मादरचोद, गांडू भोसड़ी वाले। गुड नाइट। सही।